तो जी वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे 3:30 और हम उठ के रेडी हो चुके हैं निकलने के लिए। तो बट रात को तो टाइम पे सो गए थे, बट 1:30 बजे किसी आंटी का कॉल आया था कि एक्स्ट्रा गद्दा भिजवा दो, ऑब्वियसली रॉन्ग नंबर था लैंडलाइन पे, तो उसने नींद खराब कर दी सारी। बट एनी हाउ निकलना तो है, तो वी आर रेडी। कौन है बे? तो जी बज गए 4, लगेज हमारा रेडी है, बस भैया की वेट है कि लगेज लेने आ जाए और हम निकल लें अपनी रोड ट्रिप पे। तो जी इस टाइम अंधेरा भी पूरा है, ठंड भी पूरी है, और ये मेरे ख्याल से कोई मंदिर या फोर्ट है ऊपर दूर, तो बस अब निकल रहे हैं अपन। चलो 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 चलो, भागो 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 फटाफट। तो जी करते हैं अपनी जर्नी शुरू बैक टू होम। गणपति बाबा मोरिया, लेट्स गो। उदयपुर सिटी को बाय बाय करते जा रहे हैं, उदयपुर के बीचों बीच। तो सुबह निकलने का यही बेस्ट पार्ट है कि कोई भी ट्रैफिक नहीं होता ना के बराबर। तो जी अभी हम चढ़ गए हैं NH 58 पे, और ये सीधा जो रोड है ये जयपुर वाली तरफ जाता है, और आगे जाके NH 48 में मिलता है जाके, और वही NH 48 जिसके में जिस पे चढ़ के हम अहमदाबाद गए थे। तो ये 4 लेन रोड है, NH 48 जो है वो 6 लेन रोड हो जाती है, तो मजेदार। रात का चलाने का फन पूरा है, लेकिन बस डर यही लगता है यार कोई जानवर या कोई ऐसी चीज ना आए बीच में, या कई बार तो स्पीड ब्रेकर दे देते हैं बीच में हाईवे पे। कंट्रोल उस चीज का थोड़ा डर लगता है, अदरवाइज इस टाइम कांस्टेंट स्पीड मैंने ऑलमोस्ट 80 की रखी हुई है। बहुत रैश ड्राइविंग नहीं कर रहे हम, बड़े आराम आराम से जा रहे हैं। तो जी हमें चले हुए ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो चुका है, और हम 101 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। हाईवे बहुत अच्छा है फिलहाल, कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई रश नहीं है, कुछ नहीं है, और कांस्टेंट स्पीड हमने मेंटेन की हुई है 80-85 के अराउंड। तो इसी तरह चलते रहे, फिर तो हम 10 बजे के आसपास जयपुर तक पहुंच जाएंगे। फिर तो टाइम हो रहा है 6:10, और हम जुड़ चुके हैं NH 48 पे, जो सीधा हमें कनेक्ट करेगा जयपुर से। तो मजेदार रोड है, ट्रक काफी है खैर इस रोड पे, बट हाँ स्पीड मेंटेन कर रहे हैं ठीक ठाक। भाई हल्के लिए ना धूमधानी शुरू होती है, बस आगे ना हो, बड़े ना हो, इतनी रहे या इससे कम ही हो जाए।
जी सुबह के बज गए हैं 7 और यहाँ से जयपुर ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर रह गया है और एक स्ट्रेचिंग ब्रेक के लिए रुके हैं। हल्की हल्की नींद भी आ रही थी बट ठीक है, कभी कंफर्टेबल है बस। तो अभी यही है कि जितना ट्रैफिक से बच जाए उतना बढ़िया, तो खींच लेते हैं जितना खींच सकते हैं। तो इस टाइम टेम्परेचर की बात करूं, ये देखो ऑलमोस्ट 8 डिग्री टेम्परेचर है, ठंड अच्छी खासी है और बीच बीच में हल्का हल्का कोहरा भी था यहाँ पर, बट कोई ऐसे कोई दिक्कत नहीं आई बिल्कुल भी। और गाड़ी बढ़िया एवरेज दे रही है इस टाइम, ऑलमोस्ट 13 का एवरेज दे रही है। तो हाईवे नेशनल हाईवे है तो 100 किलोमीटर, तो 100 के आसपास ही रखी मैंने स्पीड। टाइम हो गया है 9:15 और हम जयपुर क्रॉस कर रहे हैं इस टाइम पे। यहाँ बहुत ट्रैफिक था, ट्रकों का बहुत ट्रैफिक है, तो जो हमने स्पीड खींची थी, चलो वो ये तो है, वो काफी स्ट्रेच हमारा निकल गया, बट बस ये है जयपुर में आगे जो है स्लो हो गए हम। तो एनीवेज हमने जयपुर फिलहाल बाईपास कर रहे हैं और अब हम दिल्ली गुड़गांव रोड पे आ जाएंगे, उसके बाद फिर अपना वाला ऐसा लगता है ना, जैसे ये वाला एरिया क्रॉस करो उसको यही फील आती है यार अपने एरिया में आ गया सब, अब ये अपना अपना वाला चीज आ गई है। और फिर जैसे ही हम अंबाला के आसपास पहुंचेंगे फिर तो ये है कि ओला जी, फिर तो हम घर ही पहुंच गए, फिर तो बचे नहीं है कुछ। भाई 400 किलोमीटर हमने ड्राइव कर ली है और अब यहाँ से हम रुक रहे हैं उसी जगह पे जहाँ हम जाती बार रुके थे, बस वो सड़क की दूसरी तरफ है, ये सड़क इस तरफ है, उधर रुके थे हम जाती बार। तो जी अपने को बिल्कुल सामने फर्स्ट क्लास पार्किंग मिल गई थी। अभी टाइम हो रहा है 10:30, ब्रेकफास्ट हो गया है अपना, जितना ट्रैवलिंग हमने अभी कर ली है उतनी ही बची है अभी तक, ऑलमोस्ट हम मिडवे पे हैं इस टाइम और हमें ऑलमोस्ट अभी 5 से 6 घंटे लगेंगे अभी मोहाली पहुंचने में। बस हम निकलते हैं, नेक्स्ट स्टॉप अपना होगा रोहतक। तो फाइनली चंडीगढ़ का बोर्ड आ गया और हम आ गए अंबाला वाले रोड पे, सीधा ये रोड खुलेगा अंबाला जाके। तो जी मैं थोड़ी देर सो गया था तो निधि कार चला रही थी, तो अभी बस हम तेल डलवाने रुक रहे हैं, खत्म होने वाली उस पे ही है, तो अभी 300 किलोमीटर बचा हुआ है तो समझता कि तेल डलवा लेते हैं, थैंकफुली मिल भी गया तेल। तो भैया नॉर्मल वाला था नहीं तेल, तो हमने पावर वाला ही डलवा दिया, 103 रुपये, राजस्थान में नॉर्मली 109 रुपये है। अभी कितने दिनों में पेट्रोल पंप खुले है? 4-5 दिन ही हुआ ना, चलो सही टाइम पे खुल गया। अच्छा कॉल करोगे तो आपको सुविधा मिलेगी, 4300 का तेल आया इसमें 41 लीटर। तो जी अभी हम पहुंच चुके हैं हिसार बाईपास पे और अभी ऑलमोस्ट 3 घंटे का ट्रैवल और बाकी है, यहाँ पर कुछ सामान हमने किसी से लेना है तो भैया अभी रास्ते में आ रहे हैं, 10-15 मिनट में पहुंच जाएंगे, तो तब तक ये हम थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर रहे हैं और वो भी
पांव फैला के हाईवे पे। तो अभी बस 10-15 मिनट में निकल जाएंगे। तो अभी तक पूरे हम टाइम हो गया और 1 बज गया अभी, और सुबह हम 4 बजे चले थे, तो हम सिर्फ एक आधे घंटे का ब्रेक लिया था हमने ब्रेकफास्ट करने के लिए, और अभी यहाँ 10-15 मिनट की यहाँ रुके हैं अभी। भाई सुबह तो यार जो गाड़ी खींची है बिल्कुल खाली रोड, बिल्कुल खाली, तो कोई दिक्कत नहीं आई। तो बस ये है कि भैया आ जाएंगे, निकलेंगे और मोस्ट ऑफली उम्मीद है कि 4 बजे के आसपास जो है हम मोहाली में गाड़ी लगा देंगे। सो फाइनली 16 साल बाद हम जो है अपने मोहाली वापस पहुंच गए हैं, और टाइम ये हो रहा है 4:10, तो एग्जैक्ट 12 घंटे की ड्राइव के बाद हम वापस अपने घर पहुंच गए हैं। सुबह 4:10 पे हम निकले थे और शाम को 4:10 पे हम मोहाली पहुंच गए, तो इट्स अ 12 आवर जर्नी। और सो जी फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने घर, बहुत मजा आया, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी, गाड़ी ने बिल्कुल भी थकाया नहीं, और स्पीड वाइज भी हमने एवरेज जो स्पीड है 80-100 के बीच में ही रखी थी। सुबह उदयपुर से जब हम निकले थे जयपुर तक बहुत बढ़िया था, लेकिन जयपुर जैसे ही बाईपास आता है वहां पर ट्रक वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं, तो बहुत ट्रैफिक था वहां पर, तो वहां हमारी गाड़ी स्लो हुई थी। उसके बाद फिर से जब हम जयपुर से कट लेके अम्बाला की तरफ आए थे, तो वो वही रोड भी भाई ऑसम थी, मतलब 120 प्लस उसमें स्पीड रही थी। तो ओवर एंड ऑल की बिल्कुल भी थकाने वाला चीज नहीं थी, और सुबह जल्दी निकलने का बस ये फायदा था कि उदयपुर में हमें जाम नहीं मिला बिल्कुल भी। सो होम स्वीट होम, और ये ट्रिप यही खत्म होता है। और टोटल अगर बात करूं हमारी ट्रिप जो है 2350 किलोमीटर रहा, और अब गाड़ी की सर्विस भी ड्यू हो गई, ऑलमोस्ट 11,000 किलोमीटर चल गई है गाड़ी, तो अब सर्विस भी कराएंगे उसकी। बट अभी फिलहाल मैं गाड़ी को लेके जाऊंगा एक बार खाली हो जाए धुलवाने, क्योंकि बहुत मिट्टी है, और जो भैया आते हैं सुबह वो कुछ नहीं, वो बाल्टी में पानी लेके कपड़ा मारेंगे तो उसमें कई बहुत स्क्रैचेस पड़ते हैं गाड़ी पे, क्योंकि मिट्टी से भरी हुई है गाड़ी इस टाइम। सो गाड़ी को मैं लेकर जा रहा हूँ वॉश के लिए, ताकि जो मिट्टी वगैरह है खत्म हो जाए, निकल जाए वहां से, क्योंकि जो अपने सफाई वाले भैया हैं वो क्या करते हैं बाल्टी में पानी लेके, या रेयरली कभी मन हुआ, बहुत अच्छा मन है बीवी से जब लड़ाई नहीं हुई है, तो पाइप लगाएंगे और तब धोएंगे शैम्पू या अलग अलग लगा के, वो भी 2-3 महीने में एक बार। मैं कई बार बोल दिया उनको कि कभी महीने में एक बार एटलीस्ट बनता है, एक बार तो शैम्पू के दर्शन करा दो गाड़ी को, बट नहीं वो बाल्टी लेके लगे रहेंगे। तो गाड़ी के ऊपर जब ज्यादा मिट्टी हो ना, फिर वो क्या करते हैं वही कपड़ा उसके ऊपर पहले सूखा फेरते ताकि मिट्टी हट जाए, फिर पानी से, तो सारे स्क्रैचेस लगते हैं गाड़ी पे। तो मैं बेटर है कि इससे बेटर है कि गाड़ी को मैं पहले बाहर ही धुलवा लूं, जो कल थोड़ा बहुत कपड़ा कपड़ा मारना होगा कल सुबह के मार देंगे, अपनी गाड़ी पहले साफ तो हो जाएगी अच्छे से। और वैसे भी यार अपनी गाड़ी इतनी दूर घूम के आई है तो एक वॉश तो बनती है। काश हमारे गाड़ी वाले भैया इतनी शिद्दत से रोज गाड़ी साफ करते तो क्या ही बात। भाई धुलाने के बाद गाड़ी की ये शाइन देख के जो आंखों को सुकून मिलता है ना भाई, गजब। अब इसको जाके खड़ी कर देते हैं घर।